श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं को समझा रहे हैं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया और जीवों को भी अखंड मुक्ति दिलाई, वो तुम्हें साक्षी देने के लिए, तुम्हें पता चले कि हम जो कह रहे हैं वो सही बात है। जिन हर वराओ मोमिनो हुकुम करत आपे काम, ये ब्रह्मात्माओं घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश है, वो अपना काम कर ही लेता है। खोल देखो आंखें रूह की, अपने अंदर की आत्मा की आंख खोल करके देखो। जिन देखो दृष्टि चाम, तुम चमड़ी की दृष्टि का तात्पर्य बाह्य दृष्टि, मात्र बाह्य दृष्टि से मत देखो, अंतर की दृष्टि से देखो। राज रोज रोहन का जब पहुँचा इताए, जब ब्रह्मात्माओं का राज्य का तात्पर्य ब्रह्मात्माओं का वर्चस्व दुनिया में होगा, तो ब्रह्मात्माओं का प्रभाव प्रभुत्व दुनिया में रहेगा। तखत बैठे सहा कहावते, देखो क्यों डारे उल्टाए, तो सिंहासन में बैठ करके सम्राट कहलाने वाले, तो उनको भी किस तरह से उथला दिया है। तो ये औरंगजेब के लिए संकेत बता रहे हैं। वो तो उस समय ये परिस्थिति थी कि पूरी दुनिया में भारत का वर्चस्व था और भारत में औरंगजेब था सम्राट के रूप में, तो पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व था ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसको भी देखो किस तरह से, तो उसको उल्टा दिया, मतलब वो उसको राज सिंहासन से हटा करके तो उसको दूसरी तरफ भेज दिया। पैगाम दिए तुम जिनको जो कहावते थे सुल्तान, तो ये ब्रह्मात्मा तुमने जिनको संदेश दिया, जिनके पास तुम गए थे, तुम्हें भेजा था, और जो दुनिया में सुल्तान कहलाते थे, सो पटके उसी हुकुम में, तो उनको उसी हुकुम ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश ने उनको भी पटक दिया अपने स्थान से। जिन्हें फेरे आदि फुरमान, जिसने सतगुरु के आदेश को बदला, मतलब फिर या नहीं माना, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दर्शन दे करके क्या क्या करना, किस तरह से वो मार्गदर्शन दिया, तो वही सदगुरु आज हमारे हृदय में बैठे हैं, तो उनके लिए हादि शब्द का प्रयोग है। जिन्होंने हादि का फुरमान सदगुरु के वचनों का पालन नहीं किया, तो उनकी क्या स्थिति हुई है। भरत खंड सुल्तान कहावते, तो भरत खंड का जो सुल्तान कहलाता, तो भरत खंड कहने से अभी ये भारत भूमि तो है ही अभी की, किंतु बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको भरत खंड कह सकते हैं, तो उस सब में औरंगजेब का वर्चस्व था। सो दिए सब फंदाए, तो देखो उसको भी फंदे में डाला। इन विद उरजे आप में, वो इस प्रकार अपने ही गुथी हुई जाली में उलझ गया, जो किनौन निकस्य जाए, उसमें से किसी प्रकार वो निकल नहीं पाया, उलझता ही चला गया। तो वो किसने करवाया था, तो वो परमात्मा की शक्ति काम करती है।
उलट पलट दुनिया भई तो भी देखत नाहीं कोई, तो दुनिया में उथल पाथल बहुत मचा तो भी कोई इस घटना को नहीं देख रहा है, क्योंकि लोगों को ये ख्याल ही नहीं होता है। काड़ ईमान कुफर दिया, ये जो सबे दूनी दीन दोए। काड़ ईमान कुफर दिया, विश्वास को हटा करके लोगों के, किन किन लोगों के, वो आगे अंतिम चरण में बताया, ये जो सबे दूनी पूरी दुनिया को दीन दोए, दोनों दीन में, दोनों प्रकार के धर्म के, दोनों प्रकार के परंपराओं में, तो एक पूर्वी और पश्चिमी, तो ये सेमेटिक और हेमेटिक भी बोलते हैं, सामी और हामी परंपरा भी बोलते हैं, दोनों परंपराओं के लोगों में उनके हृदय से विश्वास तो निकल गया और कुफर भ्रम ही भ्रम रहा है। तो इस प्रकार से देखो कैसी परिस्थिति बनी है। हुकुमे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, ऐसे ब्रह्मात्माओं के आगमन के संदर्भ की बात है, कयामत की आत्म जागृति की बात है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश नहीं, सभी शास्त्रों में, वैदिक परंपरा के शास्त्र और कतेब परंपरा के शास्त्र, उनमें ये बातें बताई ली। ऐसे लाख, एक दो नहीं, लाखों, सब में गिनेंगे तो लाखों निशान हो जाएंगे। सो मिले कौल देखे तुम, हाय हाय अजुन आवे ईमान। तो उनके कौल मतलब वचन, उनके वचन सब मिले हुए, कहने का तात्पर्य सभी इसी बात को बता रहे हैं, तो ये तुमने जान भी लिया, तो फिर भी बड़े खेद की बात है, क्या हाय हाय अजुन आवे ईमान, अभी भी तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये परमात्माओं के लिए कह रहे हैं, अभी तुम्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है तो दूसरों को क्या होगा। चाक चढ़ी सब दुनिया, आजू जम आजू जहु ये जोर, तो दुनिया तो ये चक्र में चढ़ी है, तो माया के चक्र में, आजू जम आजूज हुए जोर, याजूज और माजूज जो कहते थे, वो एक वो उसमें उनकी बड़ी सेना है, तो सेना के मुखिया है और किसी पैगंबर के ये बेटे हैं। अब इनके लिए कह दिए ये तो दिन रात है, तो वो दूसरे तरीके से समझाया था। सो तुम अजुन देखता एता पड़या आलम में सोरा, तो दुनिया में इतना कोलाहल मच गया फिर भी तुम ये सब देख नहीं रहे हो, अभी विचार ही नहीं कर रहे हो। हुकुम लाया जो हकीकत सो क्यों कर ना देखा सहूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ही ये पूरी यथार्थता परमधाम की बात से लेकर के दुनिया की सारी बातें लेकर के आया, उसने सारी यथार्थता समझा दी। सो क्यों कर ना देखा सहूर, उस पर विचार करके तुमने क्यों नहीं देखा, कभी उसको मिलाने के लिए प्रयत्न नहीं किया, चिंतन नहीं किया उस पर। लाया तुम्हारे अरश में, तुम्हारे ध्यान में, मतलब तुम्हारे हृदय में ये बात स्थापित भी कर दे। हुकुम जबराइल जहूरा, जैसे जिब्रिल पहले रसूल मोहम्मद के दिल को प्रकाशित करता, उनको बोल देता, समझा देता, तो फिर उसके अनुसार वो लोगों को बोल दे। इस तरह से तो तुम्हारे तुम्हारे हृदय में ये बातें स्पष्ट भी कर देता है और फिर भी तुम ध्यान नहीं देते हो। सेजदा जित शरियत का तिता आए लिखाई पुकार, जहाँ शरियत के लोग, शरा के लोग जहाँ जा कर के सिर झुकाते थे, उस मक्का से पुकार आई, तिता आए लिखाई पुकार, वहाँ से लिखवा ली, तो वहाँ के लोगों ने लिख करके भेजा, उसको वसीयतनामे में कहा है, एते किन वास्ते लिखे, ये किसके लिए लिखे, तुम्हारे समझ में आ जाए उसके लिए, ये तुम अजौ न किया विचार, तुमने इस पर अभी भी विचार नहीं किया है। किन लिखाए सकत सौगंध,
तो ये सख्त सौगंध इतने कठोर शब्दों में शपथ लेकर के ये बात लिखवाई, जो शरीयत सामी बल, तो शरीयत के सामने जो शरीयत का डंका बजा रहे थे और औरंगजेब भी यहाँ भारत भूमि में गजवाए हिंद करना चाहता था, पूरे उसमें अपना ही वर्चस्व जमाना चाह रहा था, तो उसका सामना करवाया और उसको ये लिखवाया कि अभी यहाँ कोई शक्ति रही नहीं है। तिन सब को किए शर्मंदे, उन सब को और ऐसे इनको भी शर्मिंदे कर दिया, जिनके सामने वहाँ से लिखवा करके भिजवाया और तो वहाँ से भिजवाया तो अभी यहाँ पर मुखिया तो वही था, तो उसके पास में इतने कठोर शब्दों से भिजवाया भी और उसको भी शर्मिंदा करवाया। हाय हाय अजो याद न आवे असल, अभी भी तुम्हें असली याद न, असली बात याद नहीं आ रही है। दुनी बरकत सफकत फकीरों और अल्लाह कलाम, तो जो बातें वहाँ से लिखवाई थी अभी यहाँ नहीं रही, दुनिया की बरकत, दुनिया को जो शक्ति दिखाई देती थी, जो वैभव दिखाई देता था, वो आध्यात्मिक फकीरों सफकत, तो फकीरों की दुआ, तो वहाँ जो भी फकीर लोग रहे होंगे वो किसी के ऊपर प्रार्थना करते, दुआ करते, किसी के भलाई के लिए कामना करते, तो वो लगता, तो अब वो भी नहीं रहा। और अल्लाह कलाम और परमात्मा के वचन जिनको मानते हैं कुरान, तो वो भी वहाँ से उठवा लिया गया। परमात्मा के वचन, परमात्मा भारत भूमि में प्रकट हुए तो वचन वहीं बताएंगे ना, और उन सबको निरस्त कर दिया। उठा करके लाने का तात्पर्य ये है, तो वहाँ से कोई वस्तु उठा करके ऐसे नहीं लाते हैं, तो उसकी शक्ति है वो, अब वो निस्तेज हो जाती है। जैसे परशुराम जी के पास में शक्ति थी तो भगवान राम आए, तो भगवान राम से मिलन के बाद में तो उनकी शक्ति उनमें से हट गई और भगवान राम में समा गई। अब कहाँ लोगों को पता, तो इस तरह से होता है। अब कथा भी करेंगे और फिर भी कैसे होता है उस पर तो विचार नहीं करेंगे। उठाए दुनी से जबराइल, जिब्रिल ने तो उस दुनिया से ये सारी बातें उठा ली, लाया अपने मुकाम, अपने मुकाम में जहाँ अभी आवश्यक था वहाँ पर ले आया। ये अपने मुकाम का तात्पर्य भारत भूमि में ले आया। मोहम्मद मेहदी ईसा अहमद, बड़ा मेला इस्लाम। महदी मोहम्मद और ईसा, तो ये भी अहमद के रूप में वो, अभी ये सारे उधर के शब्द हैं, तो जब उनको सब कुछ देखने लगेगा तो ईसा रू अल्लाह वही अहमद कहलाएंगे, ऐसा कहते हैं अन्न। तो इन सब का बड़ा मेला इस्लाम, तो पूरे उसमें विश्वास करने वाले लोगों का पूरा मेला तो ये भारत भूमि में लगा है। जित सूर फूके इसराफिल, तो इसराफिल फरिश्ता ने जहाँ सूर फूका, बिगुल बजाया, होशी 40 सालों तमाम, 40 वर्ष पर्यंत तो इसका प्रभाव रहेगा, उनका प्रभाव रहेगा जो शक्ति काम कर रही है। कि न उठाए हिंदू ठौर सेज दे, हिंदू लोग अपनी जहाँ सेजदा करते, मतलब जहाँ नमन करते, उनकी उपासना की, उनका उपासना का मूल लक्ष्य शून्य निराकार होता था। यहाँ कोई ठिकाने करने का तात्पर्य कोई दुनिया की वस्तु यहाँ दिखने वाली ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अपना लक्ष्य शून्य निराकार रखा था। तो उनको उठाया का मतलब उसमें से हटा करके उनके उनकी समझ को कि देखो ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की उपासना होनी चाहिए, ये समझाया। कि न मिलाया आखिर निशान, आखिर के निशान कते, परंपरा के अनुसार जो भी ये समय आखिर का समय वो मानते थे, तो उसके अनुसार वो सारे संकेत वगैरह वो भी स्पष्ट करके समझा दिए। कि न खड़े किए मोमिन, किन्होंने ब्रह्म आत्माओं को खड़ा किया, मतलब जाहिर करवाया, प्रकट करवाया, कराए पूर्ण पहचान, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भी पहचान करवा दी।
ये झंडा किने खड़ा किया, इस झंडे को किसने खड़ा किया है? ये जो हकीकी दीन, तो ये हकीकी दीन तो हकीकी सच्चा सच्चे धर्म का झंडा है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ देने वाला धर्म, तो ये तारतम ज्ञान, तो इसका झंडा खड़ा किया है। ये लाखों लोग के हिंदुओं के इनको किन्होंने दिया यकीन, तो लाखों लोग हिंदू परंपरा में हैं, उनको उनका विश्वास किन्होंने उनको वे विश्वास दिलाए कि हाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये जो द्वार अर्श अजीम का किन खोलिया कुंजी लियाए कि ये जो परमधाम का द्वार है, तो किन्होंने कुंजी ला करके खोल करके स्पष्ट किया, तो इल्म लुदन्नी मसी बिना और कहो न खोलिया जाए। इल्म लुदन्नी तारतम ज्ञान, तो ये मसी बिना, तो ये मसीहा तो कहते हैं कि तारणहार, तो सतगुरु, तो उनके बिना और काहो न खोलिया जाए। किसी के द्वारा ये स्पष्ट तो किया नहीं जा सकता था ना, तो उन्होंने प्रकट स्पष्ट कर दिया है प्रकट हो करके। ये जो बुजर की मोहम्मद की म्याराज हुआ इन पर, तो यही इन मोहम्मद की बुजर की है, इनको दर्शन हुए हैं। मोहम्मद साहेदी इसे मेहदी बिना कोई दूजा देवे क्यों करा, तो ये सारे सब मोहम्मद किसको कहते हैं, उनके सारे साक्षी, तो ये सब ईसा किसको कहते हैं, महदी मोहम्मद किसको कहा है, तो ये इस समय जो शक्ति काम कर रही है उसके लिए कुरान में महदी मोहम्मद कहा है, तो उनके बिना ये सारी बातें कैसे स्पष्ट हो सकती है। कोई दूजा देवे क्यों करे, इसके साक्षी कौन दे सकता है, इसलिए ये शक्ति प्रकट हो गई है। तो तुम इस पर विचार करो। उठे दीन सख्त वखत में पसरिया सब में कुफर, तो सख्त वखत में तो दीन धर्म, तो वहाँ पर जो जिसको धर्म समझ रहे थे लोग, तो वहाँ से झंडा उठ आया, तो ये बड़ा विकट परिस्थिति है। वहाँ से वो शक्ति निकल गई है। पसरिया सबों में कुफर, सब में कुफर भ्रम फैल गया है। करे रूहें कुर्बानी इन समय ये क्यों होए रसूल रब बिगर, तो जब ब्रह्मात्माएं इस समय स्वयं को समर्पित कर रही है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति, तो ये कार्य रब के रसूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश देने वाले उनके अतिरिक्त कौन कर सकता है। किन सुख देखाए अर सके बहु विद बिना हिसाब, किन्होंने परमधाम के अनेक सुख, बिना हिसाब का तात्पर्य अलेख असंख्य सुख बता दिए। अनुभव अपना देख के हाय हाय अजू न उड़िया ख्वाब, ये सारा कुछ तुम देख रहे हो अनुभव कर रहे हो, फिर भी तो ये ख्वाब स्वप्न तुमसे नहीं उड़ रहा है। उतर आए कही रूह अल्लाह सुख सब अरसो हकीकत, ये भी कहा रूह अल्लाह उतर आए हैं, तो सतगुरु परमधाम से दुनिया में अवतरित हुए और उन्होंने सब धामों की यथार्थता समझा दी। पाई हक सूरत की अनुभव, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का भी अनुभव किया, दर्शन किया और वो बताया। दई निश्वत मार्फत, तो उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के संबंध की भी बात समझा दी और उनकी पहचान भी करवा दी। बहुविध भेजिया फुरमान तिन में सब अरसो न्यामत, बहुविध भेजिया फुरमान, तो ये फुरमान बहुत समझाया, सारी बातें समझा दी तिन, और जो संदेश पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेकर के आए उसमें सब समझा दिया है। तिन में सब अरसो न्यामत, सब धामों की संपदा उसमें छिपी हुई है उस आदेश में, उस उपदेश में। खिलवत वाहिद तस्द भई, तो खिलवत क्या है, वाहिद अद्वैत क्या है, परमधाम की लीला भूमि किस प्रकार की है, वो सब समझा दी सर। और सुदय कयामत, तो कयामत की सुधि भी दे दी कि कब आत्माएं जागृत होंगे और किस प्रकार से परमधाम में बैठे हुए अनुभव करेंगे, वो सारी बातें स्पष्ट कर दी है। अभी के प्रश्न को ये रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
और सुदई क्या मत बहुविध भेजा पुरमान तिन में सवार सो न्यामत खिलवत वाहिदत शुद भई और शुद दई क्या मत और शुद दई क्या मत और शुद दई क्या मत।